आज गार्लिक नान बनाएंगे हम। गार्लिक नान बनाने के लिए क्या करना है, डो मैंने पहले से प्रेप कर लिया था यहाँ पर, एंड डो के लिए आपने क्या करना है, 2 कप मैदा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा दही डालना है, नमक, चीनी थोड़ी सी डाल लें, हल्की सी समझे पाउडर शुगर होती है वो आपने डालनी है। हाथ मैंने साफ कर लिए, धो लिए अच्छे तरीके से, एंड आप देख सकते हैं कि इसको ना अच्छा सा रेस्ट जो होता है ना डो को लाजमी देना होता है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रूफिंग की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर यीस्ट डाल दें। मम्मी के सामने तो बड़ी अच्छा है कि तारीफ हो रही है मेरी बड़ी। जैसे सीधी आपने रोटी बनानी होती है ना, नान जैसे बनता है उसी 1/4 का, एंड उसमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने गार्लिक जो है ना प्रॉपर तरीके से काट ली है, एंड थोड़ा सा कोरिएंडर धनिया जो होता है वो मैंने इसके अंदर लगा के अब मैंने इसको वापस बेल दिया है। ये नान जो है ना आप देख सकते हैं ये हो गया, थोड़ा सा मैं अगेन इस पर अपने जो नाखनों से जैसे करते हैं ना जो प्रॉपर अच्छा एक वो तंदूर वाले करते हैं, थोड़ा सा वैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ट्रे है, सिंपल आपने क्या करना है ये इसके ऊपर लगा देना है। ये अवन मेरा 180 डिग्रीज प्री हीटेड है, इसको मैं क्या करूँगा मिडिल रैक में रखूँगा, एंड सेम प्रोसेस आपने अगेन यही करना है, मर्जी है छोटे आपने मिनी नान बनाने वो बना लें, अदरवाइज आपने अगर कंधारी बनाना है जो लंबा होता है वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, अपनी मर्जी है जिस शेप में आपने देना है। तम्मी मुझे बताएं कि क्या सही है वैसे ये शेप? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, गोल तो ऐसे इतना नहीं बना, परफेक्ट नहीं, नहीं परफेक्ट है, बहुत अच्छा बनाया आपने। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ जो नान है ना इसको मैं क्या करूँ, अगेन सेम प्रोसेस दोहराऊंगा। अम्मी जब तक आप पाए देख लें, धुआं निकल रहा है, एंड ये जो गार्लिक नान है इसको भी हमने क्या करना है अवन में डालना है। मैं क्या करूँगा इसको अभी अवन में डालूँ, फिर वापस निकाल के थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे, एंड अगेन इसको वापस रख देंगे 180 डिग्रीज पर। नान को देख लेते हैं, नान पर मैंने क्या किया था, इसको मैंने अंदर रख लिया था, एंड 180 डिग्रीज पर अब क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर ना ऑयल लगाना है हमने। यहाँ पर मेरे पास ऑयल है, एंड मैं सोचा कि इसी को यहाँ से बस इसको थोड़ा सा मैंने ऑयलिंग की है, एंड अब समझे कि बस वेट है। खस्ता मज़ेदार से नान रेडी हो गए हैं, बस 2 जो है ना वो अवन के अंदर है, 180 डिग्रीज पे रखा था लेकिन मैंने कहा थोड़ा टेम्परेचर मैं बढ़ा दूँ, 200 कर दिया है, कलर बड़े अच्छा आ गया इस पर। एंड ऑब्वियसली जब आप घर पे बनाते हैं अवन के अंदर तो उसका ऑब्वियसली टाइम लगता है, एंड सारी चीज़ों को ये आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता है एंड मज़ेदार। इसको बस थोड़ा सा हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको इसी पे रखूँगा, गार्लिक नान, अज्जा, मैदा 2 कप, पिसी चीनी 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, खट्टा दही 2 खाने के चमचे, नमक हसबे जायका, गरम दूध हसबे ज़रूरत, कटा लहसुन हसबे ज़रूरत, धनिया हसबे ज़रूरत, तेल ब्रश के लिए।